आपके लिए अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सबसे जरूरी ये सीखना है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ऐसा नहीं करना गलती से भी कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं, फिर बैलेंस शीट बना देते हैं। काफी बच्चे ऐसा करते हैं, बिल्कुल गलत अप्रोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो आप पहले फर्स्ट आइटम से लेके लास्ट आइटम तक सारे आइटम्स देखोगे कि इनमें से कौन सा ट्रेडिंग में आएगा। फिर पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो फिर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे आइटम्स देखोगे कि इनमें से कौन सा पीएनएल में आएगा। सेम फॉर द बैलेंस शीट, आप एक एक्सरसाइज 3 बार कर रहे होगे, टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट आंसर दे रखा है, नेट प्रॉफिट आंसर दे रखा है, एग्जाम में थोड़ी ना दे रखा होगा, क्योंकि कुछ लोगों का जस्टिफिकेशन होता है इससे पहले चेक कर लेना ग्रॉस प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं बेटा नहीं। तो सबसे जरूरी है ये समझना कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी, कि जैसे कर रहा हूं वैसे ही करना और किसी तरीके से मत कर, ठीक है प्लीज। तो चलो अप्रोच कैसे करना चाहिए। पेज वन, 1/3 ऑफ पेज वन, 1/3 ऑफ पेज वन कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। 1/3 ऑफ पेज वन कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। 2/3 ऑफ पेज वन, तो जो फर्स्ट पेज है उसका 1/3 ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। पहले आपको तीनों फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करना। तो पेज वन 1/3 ट्रेडिंग, 2/3 पीएनएल। पेज टू पे बनाना प्लीज बैलेंस शीट। अभी कुछ क्वेश्चन छोटे हैं तो आप क्या करोगे, ट्रेडिंग भी उसी पेज पे, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट। सर हमने जगह बचा ली, गलती करोगे बहुत बड़ी, कहाँ थोड़ा सा साइज चेंज हो जाएगा और आपका बड़ा अनटाइडी हो जाएगा। आधी गलतियां होती ही अनटाइडी होने की वजह से हैं। एक टाइम के बाद आपको क्या लगता है कि किसी को भी ये डाउट होगा कि डेटर्स कहाँ दिखाते होंगे, सैलरीज कहाँ दिखाते होंगे, कैसे हो सकता है? मतलब 10 क्वेश्चन करने के बाद ना ये दिमाग में छप चुका होता है कौन सी चीज कहाँ आएगी। तो उसके बाद जो सबसे कॉमन एरर होता है वो कैलकुलेशन एरर होता है। जो सबसे कॉमन एरर होगा ना वो कैलकुलेशन एरर होगा, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से जल्दी करने के चक्कर में आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया। वो जितना नीट होगा काम उतने कम चांसेस होते हैं कि आपका कैलकुलेशन एरर हो जाए नीटली अगर करेंगे तो। प्रेजेंटेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। बना लिया जी फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाना, सबसे पहले क्या दिखाना? ओपनिंग स्टॉक। तो देखें जरा बैलेंस शीट कब की है, 30 बनानी है, 31 मार्च 2023, तो 1 अप्रैल ये है ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले 34 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे सबसे पहले क्या दिखा दो? टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 34,600, 34,600 ओपनिंग स्टॉक दिखा दिया। फिर दिखाओ परचेजेस, फिर दिखाओ परचेजेस। तो परचेजेस जब दिखा रहे हो तो देखो परचेज रिटर्न्स हैं क्या? अब ये डेबिट बैलेंसेस, तो परचेज रिटर्न कहाँ होगा? अगर होगा तो क्रेडिट बैलेंस में होगा। जो भी आइटम दिखाते जा रहे हो टिक मारते जाओ, क्योंकि इतने सारे आइटम्स में कोई आइटम मिस भी तो हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि कुछ मिस तो नहीं हुआ? एक टिक लगा होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस आइटम सिर्फ एक बार आता है, तो अगर उस पर टिक लग चुका है ना तो वो आ चुका है, ठीक है ना? टिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, तभी तो टिक मारोगे ना, फोन पे क्या टिक मारोगे? तो प्रैक्टिस के टाइम भी वैसे ही प्रैक्टिस करना। परचेजेस 5,575,01,250, तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? टू परचेजेस कितना? 5,575 - परचेज रिटर्न कितना? 1,250, 5,4,500, 5,575। तो हमने परचेजेस भी दिखा दिया, परचेज रिटर्न भी दिखा दिया। सर आप तो ट्रेडिंग अकाउंट ही बना रहे हो पहले। बस ये दो आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस दिखा दिए। अब जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दे रखा है ना उस सीक्वेंस में करना। सबसे पहले क्या दे रखा है? फर्नीचर, तो बैलेंस शीट में गए फर्नीचर।
कितना? 6,400। कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आइटम, तो इससे क्या होगा, जब आप नीचे जा रहे हो ना, अब आपको ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है, वो आइटम हो गया खत्म। मोटर व्हीकल 62,500, मोटर व्हीकल्स 62,500, बिल्डिंग 75,900, बिल्डिंग 75,900। सर बैड डेट्स तो पीएनएल में आते हैं, पीएनएल का तो फर्स्ट लाइन में ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट होगा। आप एक लाइन छोड़ दें, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा, आप एक लाइन छोड़ दें, बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट में ऐसे दिखा दें, टू बैड डेट्स। सर एंड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो तो यहाँ आएगा, फिर हम यहाँ क्या करेंगे? अरे तो बिल्डिंग गिर थोड़ी ना जाएगी, उसको खाली छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैड डेट्स कितने हैं? 1,250, 1,250। इससे आप अपने काम बहुत आसान कर रहे हैं। सनरी डेटर्स 48,000, एक लाइन छोड़ दें। क्यों एक लाइन छोड़ दें? क्या पता कोई और फिक्स्ड एसेट आ जाए बाद में, दे रखा हो उन्होंने सीक्वेंस में, जरूर थोड़ा कि वो ऑर्डर में देंगे आपको। और सनरी डेटर्स 48,000, बीच में एक लाइन छोड़ दी, सर दो आ गए, तो आपकी किस्मत, फिट करना किसी तरीके से, ठीक है ना? 48,000। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न आ गया तो सेल्स भी ले लेते हैं, 154,500। तो सेल्स 154,500 माइनस सेल्स रिटर्न कितना? 2,000, 152,500, 152,500। क्लियर? एडवर्टाइजिंग 45,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने? 4,500 या 45,000? 4,500 एडवर्टाइजिंग। इंटरेस्ट डेबिट है, डेबिट है तो इंटरेस्ट पेड है, 1,180 इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 1,180। कैश इन हैंड एसेट 6,500, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कितना था? 6,500। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 12,500, जनरल चार्जेस 7,820 इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 7,820। सैलरीज 33,000, 33,000। क्रेडिट बैलेंसेस कैपिटल 128,900, कैपिटल 128,900, अभी बस इतना अंदर इनर कॉलम में दिखा दिया। क्रेडिटर्स 37,000, स्पेस छोड़ दी, ठीक है ना, बाकी एडजस्टमेंट के लिए। क्रेडिटर्स 37,000, सेल दिखा चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी 28,500। कितना है? 28,500 बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कमीशन क्रेडिट आइटम है, कमीशन रिसीव 1,750, तो पीएनएल में एक लाइन छोड़ के कमीशन रिसीव कितना? 1,750। ओके जी, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, सब पे टिक लग गया, खत्म। सच्ची सच्ची बताना, क्या मुश्किल है? बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है, बट आपको ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ दिखानी है। फर्स्ट टाइम हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन सेम चीज अगर 10 बार करोगे तो जानबूझ के ही गलत कर सकते हो, कि आप बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके काम कर रहे हो तो ही हो सकता है ऐसा, वरना जिसने भी 10-15 क्वेश्चन ऑनेस्टली कर लिए, सर ये बढ़ाते जा रहे हो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो तो स्पीड के लिए करने ही पड़ेंगे ना, आगे जाके 40-50 भी होंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी 10-15 क्वेश्चन ऑनेस्टली कर लिए, फॉर्मेट की गलती नहीं कर सकता, फॉर्मेट की गलती नहीं कर सकता। स्पीड वो तो जब तक वॉलंटरी एफर्ट नहीं होगा ना कि जल्दी जल्दी करना है, स्पीड नहीं बढ़ने वाली, स्पीड नहीं बढ़ने वाली अपने आप, कि आप 100 क्वेश्चन कर लो, लेकिन जब तक आप टाइम्ड
एनवायरनमेंट में नहीं करोगे, अपने आप को कितनी देर लग रही है मॉनिटर नहीं करोगे, फिर स्पीड नहीं बढ़ सकती, स्पीड नहीं बढ़ सकती। सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस के आ गए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है 32,500, एक बार ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बार ही आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और एक बार ही जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। 32,500 था ना, क्लियर? अब क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे करेंगे, कंपेयर करेंगे क्रेडिट्स और डेबिट्स। क्रेडिट ज्यादा है 185, 185 माइनस 88, 89,100, 185 माइनस, डेबिट्स माइनस कर देंगे, नाइन्टी फाइव नाइन हंड्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, नहीं देखते हम वहां से, एक ही बार रिस्क लेते हैं। 95,900 यहाँ पे आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, 95,900 क्रेडिट्स हो गए, 95,900 प्लस 1750, 97,650, ठीक है जी, डेबिट्स इतना ही है। यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट्स माइनस कर देंगे। बेटा कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना, क्योंकि एक टाइम के बाद सर बस कैलकुलेशन एरर हुआ। अरे बस क्या होता है, अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो वहां पे वो ये बैठ के ढूंढेंगे नहीं आपकी गलती क्या है, वो मार्क्स काटेंगे और आप भी एग्जाम में ढूंढ नहीं पाओगे। कोशिश भी मत करना, मैं तो ये बोलूंगा कि जय माता दी, एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया कर लिया, बैलेंस हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ 2 मिनट लगाना गलती ढूंढने में, वरना गलती ढूंढने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम क्वेश्चन करने में लगता है। मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे, अब मार्क्स तो जो होना था हो गया आगे, मतलब इन द सेंस कि आपका अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही गलती है तो 10 तो फिर भी मिल जाएंगे, अब उस 2 नंबर के लिए फिर से 20 मिनट लगाओगे, नॉट अ वाइज डिसीजन। तो इसलिए बैलेंस नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, कोई बात नहीं, अभी जान लगा लो, अभी तो क्वेश्चन के साथ लड़ो, एग्जाम के बीच में नहीं करनी वो गलती। एग्जाम के बीच में अलॉटेड टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल 12 मार्क्स हैं तो आपको 24 to 30 मिनट्स मिल रहे हैं, 24 to 30 मिनट्स मिल रहे हैं अलॉटेड टाइम है। अगर 80 मार्क्स के लिए 33 आवर्स हैं, 180 मिनट्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हर मार्क के लिए आपके पास 2.33 मिनट्स होते हैं। तो 12 मार्कर के लिए 24 to 30 मिनट्स हैं 12 मार्कर के लिए, लेकिन 10 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, तो फिर टाइम उस हिसाब से चेंज हो गया ना, साइज हो सकता है चेंज ना हो, कुछ भी कर सकता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 20 मिनट्स में आपसे हो जाए, इनिशियली नहीं होगा, बड़ा तो नहीं है ये, बहुत बड़ा तो नहीं है, 20 मिनट्स में कॉपी कर लोगे डेफिनेटली, इसका मतलब 20 मिनट्स में सॉल्व हो सकता है, अगर रॉकेट की स्पीड में अपने आप खुद कर रहे हो, इवेंचुअली होगा। अभी 30 मिनट्स में भी हो जाए तो भी गुड स्पीड मानना, 30 से 25 पे आना, 25 से 20 पे आना, अभी एडजस्टमेंट्स आएंगे आगे जाके, बट मैं कह रहा हूँ कि साइमल्टेनियसली चलना, एक्यूरेसी पे भी क्यों, करेक्ट आंसर भी और स्पीड पे भी, स्पीड पे भी। जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि नहीं नहीं बेटा पहले आपका सारा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, सर इसमें बेसिक है बहुत अंडरस्टैंडिंग, तो साथ साथ स्पीड पे भी वर्क कर सकते हो, साथ साथ स्पीड पे भी वर्क कर सकते हो। पता नहीं मैंने कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे, मेरे सामने फिगर आ रहा है 37,400, वेरीफाई करते हैं फिर, होते हैं प्लस, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे कितना, 37,400। कोई ड्राइंग्स तो नहीं थी पूरे क्वेश्चन में, होती तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही होती, नहीं है, 128,900 प्लस 37,400, 166,300, प्लस 37,000 प्लस 231,800, 6,400 प्लस
मुबारक हो। बैलेंस शीट तो बैलेंस हो गई, बैलेंस शीट बैलेंस हो गई तो जरूरी नहीं है कि आपका सही हो, कॉम्पनसेटिंग एरर भी हो सकता है, ठीक है ना, बस खुश होकर आगे बढ़ जाना, बट जरूरी नहीं है कि सही हो, इस केस में सही कॉम्पनसेटिंग एरर पड़े हैं ना हमने, दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट फिर भी बैलेंस हो जाती है।